तो गाइस लॉकडाउन के बाद मैं निकला फर्स्ट टाइम एक शॉर्ट ट्रिप पर विद फैमिली, और वहाँ पर मेरे साथ था एप्पल आईफोन 12। और आईफोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग को बेस्ट माना जाता है अगर फ़ोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करने की बात करें तो। सो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग स्टाइल वीडियो आपको बना के दे दिया जाए, जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर क्वालिटी मिलेगी आईफोन 12 के कैमरा से, और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्लॉगिंग में कितनी मेहनत लगती है फ्यूचर में कभी ट्राई करें तो। वैसे सुबह सुबह काफ़ी ठंड थी, लेकिन जैसे ही सनराइज हुआ हम भी वहाँ पर पहुँच गए और ठंड भी चली गई। और सुबह सुबह पहुँचने की वजह से पूरा दिन था हमारे पास, तो थोड़ा सा आराम करके निकल गए एक्सप्लोर करने भोपाल, जो है हमारी इस ट्रिप की ट्रेवल डेस्टिनेशन। भोपाल आने का सिर्फ एक रीजन था, यहाँ पर हमारा अपना कोई रहता है जो कि कई सालों से रह रहा है, तो उन्होंने कहा था हम घुमाएंगे, तो हम पहुंच गए। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वन विहार भोपाल। तो बेसिकली ये जो गेट है वन विहार का, यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे, आप किसी कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कार के लिए फ़ीस देनी होती है 250 रुपीज़, और अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग हो सकती है। तो आप आकर यहाँ पर काउंटर पर ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप मेरे तरह पैदल हैं अपने पैरों पर चल कर जा रहे हैं तो केवल 20 रुपीज़ में एंटर कर सकते हैं। 6 बजे आप एंटर कर सकते हैं और शाम को 7 बजे तक आप यहां पर रह सकते हैं। और यहां पर वैसे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है जिसका अभी ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, उसको ले सकते हैं बिकॉज पार्क जो है काफ़ी लंबा है। अभी देखेंगे आगे कुछ मिलता है तो ले लेंगे। तो वन विहार का प्लान तो ड्रॉप कर दिया बिकॉज अपनी टैक्सी हमने बाहर ही छोड़ दी थी, अंदर कुछ मिला नहीं, काफ़ी लंबा था। तो हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो है सैर सपाटा। और सैर सपाटा बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस हो सकता है, अगर आप भोपाल में हैं तो आपको पता ही होगा। और मेरे साथ जो बच्चे थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया यहाँ पर। अभी के लिए रात हो गई है, जा रहे हैं डिनर करना है, सोना है, मिलते हैं कल। The next day. और नेक्स्ट डे निकलते निकलते हो गई शाम, और शाम को हम पहुंचे शॉर्ट स्मारक। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। और अभी के लिए ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ वीडियो सैंपल्स जो मैंने कैप्चर किए हैं आईफोन 12 से। और आईफोन 12 कैपेबल है 1080p 30fps पर डॉल्वी विजन वाली वीडियोस, मतलब कि HDR वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। तो उन्हीं में मैं इनको रिकॉर्ड करूँगा और आईफोन से ही एडिट करने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ भी वाटरमार्क वगैरह नहीं मिलेगा इस वीडियो में, जस्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नाइट में कैसे काम करता है आईफोन 12 का फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, और कोशिश करूँगा अगर डे लाइट के सैंपल हुए तो उनको भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। वैसे अभी के लिए भी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी आईफोन 12 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, और यहाँ पर ऑडियो भी फ़ोन के ही माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको अंदाज़ा लग जा रहा होगा किस तरह का ऑडियो और वीडियो मिलेगा अगर आईफोन 12 का आप इस्तेमाल करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी जब मैं फ़ोन में देख रहा हूँ तो मेरी आंखें इधर होती हैं, और जब कैमरा में देख रहा हूँ तो इस तरफ मैं देखता हूँ, तब यहाँ पर जाकर लगता है कि मैं आपको देख रहा हूँ। और अभी के लिए मैं स्विच करता हूँ मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा में, किस तरीके से आपको क्वालिटी में डिफरेंस मिलता है, कितना एरिया कैप्चर होता है। और अभी के लिए इवनिंग है, सनसेट हो चुका है, थोड़ी सी रात ही हो गई है, तो यहाँ पर आपको आइडिया लग जा रहा होगा अगर आप जूम करते हैं तब आपको किस तरह की क्वालिटी मिलेगी, ऑब्जेक्ट कितना पास आ जाता है। और बताना चाहूँगा जितने भी वीडियो सैंपल आप देख रहे हैं सभी में मैंने फ़ोन को हाथ में पकड़ कर ही वीडियो रिकॉर्ड किया है, कोई भी गिम्बल स्टेबलाइजर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये था हमारा डे 3, कोई भी प्लान नहीं था आज का, बस आराम करना था, शाम के 3 बज चुके थे, लेकिन अचानक से प्लान बना महाकाल बाबा के दर्शन का, मतलब कि उज्जैन जाने का। दर्शन के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक किया रात को 8:45 का, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 3.5 आवर की राइड थी, टैक्सी बुक की और निकल गए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर महाकाल बाबा के मंदिर पर, और यहाँ पर कुछ इस तरह से व्यू मिलता है आपको, जो मेन मंदिर है इसके ठीक नीचे है और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है।
दिक्कत होती है, स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ तो ऐसे दिखाई देगा। चुप रहो कुछ कर रहा हूँ। बाकी जब मैं फोन की स्क्रीन में देख रहा हूँ तो मैं इधर देख रहा हूँ। अरे सब बोलते आते हैं।